हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए जो मैथ्स का हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया था, जिसका नाम है फ्रेंड्स यहाँ पे इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। आज इसका आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए हैं। तो इसके पहले जो लेक्चर नंबर 1 था, इसमें हम लोग ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर चीज को हम लोग कैसे स्क्वायर रूट एंड क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ फॉर्मूलास हमने देखे थे, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ इंडाइसेस के बहुत सारे फॉर्मूले, 8 फॉर्मूले हमने कन्वर्ट किए थे एंड देखे थे एग्जाम्पल के साथ। आज जो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है, वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कोई भी चीज अगर आपको लाइक रिटन फॉर्म में लिखा है तो उसको हम लोग कैसे नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ नंबर विद रैशनल इंडाइसेस। इंडाइसेस का यूज करके, रैशनल इंडाइसेस का यूज करके कैसे उसको रूट के फॉर्म में लिखा जाता है, क्यूब रूट के फॉर्म में लिखा जाता है या फिर कोई और रूट के फॉर्म में लिखा जाता है, ये चीज बताऊंगा। एंड साथ ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट जो है इसका 3.1, ये भी आपको यहाँ पे आज सॉल्व कराऊंगा। एंड बहुत छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, फटाफट से कर लेंगे एंड कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि हम लोग पढ़ने क्या वाले। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स सपोज आपको कोई बोलता है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 को आपको लिखना कैसे पड़ेगा, अगर मैं इसका थियोरटिकल पॉइंट बताऊं कि आपको कोई बोला है स्टेटमेंट में कि राइट डाउन द स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, इसको लिखोगे, ये रूट का सिंबल होता है, स्क्वायर रूट का जैसे सिंबल एंड उसके अंदर 25 लिख दोगे। तो ये हो गया स्टेटमेंट में हो गया और ये हो गया नंबर में। और वही चीज अगर आपको कोई नंबर फॉर्म में लिखा होता है, लेट सपोज आपको लिखा है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा स्टेटमेंट के हिसाब से, तो स्टेटमेंट में इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, दिस इज कॉल्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो आप लिखोगे डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 49 ऐसा लिखोगे, जिसका आंसर आ जाएगा आपका पता है 7 आता है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो होता है 7। लेकिन ये आपको लिखना कैसे है, आपको कैसे पहचानना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे टेक्निक बताने वाला हूँ कि स्टेटमेंट दिया रहेगा तो नंबर में कैसे लिखना है, नंबर्स दिया रहेगा तो उसको स्टेटमेंट में कैसे लिखना है, यही बेस रहने वाला है हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 का। तो उसको जरूर से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको बता दो कि कैसे आप आइडेंटिफाई करो, क्या करो, ये चीज आपको यहाँ पे मैं टोटली बताने वाला हूँ। तो आपको ये चीज ध्यान से देखना पड़ेगा फ्रेंड। तो सबसे पहले बात, आपको अगर स्क्वायर रूट को पहचानना है तो स्क्वायर रूट का सबसे सिंबल होता है, मेन सिंबल होता है ये वाला, ठीक है, दिस इज नोन एज द स्क्वायर रूट सिंबल। सिर्फ ऐसे लिखा है तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, उसके अंदर जो भी नंबर रहेगा वो उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। अगर इसके अंदर 16 लिखा है तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसके अंदर अगर लिखा हुआ है 25 तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि स्क्वायर रूट का क्या हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी के आगे, ये स्क्वायर रूट जो सिंबल है इसके आगे अगर लिखा रहेगा यहाँ पे 3 इसके ऊपर, ठीक है, ये रूट का सिंबल है, इसके ये पर्टिकुलर चीज के अंदर ऐसा लिखा रहेगा तो ये बन जाता है क्यूब रूट। जैसे आपको पता है कि स्क्वायर रूट जैसा होता है वैसे ही चीज होती है यहाँ पे क्यूब रूट, तो ये बन जाएगा क्यूब रूट। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे अगर दिया एक नंबर 27 इसके अंदर, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये बन जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 27, इसको आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्यूब रूट के लिए। तो कोई भी नंबर ले सकते हो यहाँ पे, अगर लेट सपोज कोई दूसरा तीसरा नंबर आ गया 81 आ गया, तो आप लिखोगे क्यूब रूट ऑफ 81, तो ऐसा आपको लिखना है। तो ये क्यूब रूट का बता दिया, स्क्वायर रूट का बता दिया। अब एक और तरीके का रूट होता है, मतलब रूट तो काफी सारे तरीके के होते हैं, लेकिन आपको लिखना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगेन आपका ये सिंबल तो रहने वाला है, लेकिन इसके पोजिशन पे हो सकता है 4, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट हो जाएगा। अगर इसके पोजिशन में होता है 5 तो ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट हो जाएगा। इसके पोजीशन में रहता है 6 तो ये हो जाएगा सिक्स्थ रूट। वैसे ही 7 रहेगा तो 7th रूट, 8 रहेगा तो 8th रूट। जो भी नंबर पर्टिकुलर रूट वाले सिंबल के अंदर लिखा हुआ रहेगा, मतलब ये पर्टिकुलर चीज के अंदर ना कि इसके अंदर, तो वो उसका उतने का रूट बन जाता है। अगर 8 लिखा है तो 8th रूट बन जाएगा जो भी नंबर है उसका, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और वही चीज आपको क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट है उसमें पूछी रहेगी, या तो आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा कि दिस इज द रूट ऑफ समथिंग ऐसा आपको दिया रहेगा, तो उसको नंबर के फॉर्म में आपको लिखना है, या तो आपको नंबर लिखा हुआ रहेगा और उसको आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो ये जरूर से आपको देखते रहना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1। सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूं, ठीक है, हेडिंग डाल देता हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3.1। प्रैक्टिस सेट 3.1 यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया आपके लिए 3.1 का हेडिंग, और उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको बोला है यहाँ पे मेरे सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट है आपका एक्सरसाइज, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप पेज नंबर आपके 15 पे आ सकते हो। आपको पेज नंबर 15 पे आपके 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स के टेक्स्ट बुक में आपको दिख जाएगा प्रैक्टिस सेट 3.1। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं लिख भी लू अगर, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। तो आपको क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में बनाना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। आपको क्या बनाना है, इंडेक्स
फॉर्म में आपको वो चीज लिखना है। अब इंडेक्स फॉर्म में बनाना है मतलब क्या दिया रहे? सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दिया रहता है तो उसको हम लोग इंडेक्स फॉर्म में बना सकते हैं। तो लेट्स टेक फर्स्ट स्टेटमेंट हियर, ठीक है। आपका पहला स्टेटमेंट मैं लेता हूं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन आपको एक्चुअली ले रहा हूं यहाँ पे। टोटल आपके पहले क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन है, तो आपको मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूं, बाकी 3 आपके लिए होमवर्क। जैसा कि आपको पता है मैं कुछ ना कुछ होमवर्क देता रहता हूं। तो सबसे पहला चीज मैं ले रहा हूं जो कि लिखा हुआ है फिफ्थ रूट ऑफ 13, फिफ्थ रूट ऑफ 13, ठीक है, ये लिखा हुआ है फिफ्थ रूट ऑफ 13 लिखा हुआ है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया था यहाँ पे, तो मैं उसको वो भी चीज अंदर आपको बता दूंगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि ये लिखा हुआ है फिफ्थ रूट ऑफ 13, इसको हम लोग को इंडेक्स फॉर्म में बनाना है। इंडेक्स फॉर्म बनाना है मतलब नंबर के हिसाब से लिखना है, नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो फिफ्थ रूट रहेगा, सबसे पहले आपको रूट का सिंबल बनाना पड़ेगा कि आपका फिफ्थ रूट ऑफ 13 इज इक्वल टू, आपका इक्वल टू लिखना पड़ेगा इसके आगे, इक्वल टू। अब क्या है, किसका है? फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट है मतलब यहाँ पे आपको 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था सिंबल, अगर और थोड़ा अच्छे से बनाऊं यहाँ पे मैं, ठीक है, ऐसा आपका रूट का सिंबल बनता है। तो फिफ्थ रूट है मतलब आपको इसके अंदर 5 लिखना पड़ेगा, और किसका रूट है 13 का, तो इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा 13। यही आपका आंसर फिफ्थ रूट ऑफ 13, ठीक है। अब इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख लो कि फिफ्थ रूट ऑफ 13 जो है इसको आप लिख सकते हो डायरेक्टली। नंबर क्या है आपके लिए 13, आपको लिख देना है 13, जो भी नंबर दिया रहेगा इसके अंदर वो 13 लिख देना है। और जो भी रूट रहेगा मतलब अगर सेकेंड रूट है, थर्ड रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, जो भी रूट रहेगा उसको 1 अपॉन के फॉर्म में इसके ऊपर लिख देना है। जैसे कि ये फिफ्थ रूट है तो ये बन जाएगा 13 के ऊपर 1/5 लिख देना है, ठीक है। और थोड़ा प्रॉपर वे में अगर अच्छे से बड़े में लिख के दिखाऊं आपको, थोड़ा अच्छे से विजिबल होगा आपको, 13 के ऊपर 1/5 आपको लिख देना है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप लिखे तो भी राइट है, ये भी आप लिखो तो भी राइट है, लेकिन आप दोनों ही लिखोगे तो ज्यादा बेटर है फ्रेंड, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। तो फिफ्थ रूट ऑफ 13 को आप कैसे लिख सकते हो, फिफ्थ रूट हो गया और ये 13 और इज इक्वल टू ये 13 के ऊपर 5 था, इसके लिए 1/5 हो गया, करेक्ट है। अगर इसके अंदर 4 होता तो ये 1/4 हो जाता, ये 2 होता तो 1/2 हो जाता। आ रहा है समझ में फ्रेंड्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आ रही होगी। और दो एग्जांपल इसी का मैं करा देता हूं ताकि आप लोगों को फटाफट से समझ में आ जाए, ठीक है। तो और सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आपको दिया हुआ है, सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है सिक्स्थ रूट ऑफ 9, ठीक है। सिक्स्थ रूट ऑफ 9 इसको आप कैसे लिखोगे, सिक्स्थ रूट ऑफ 9 को, ठीक है, रूट का सिंबल बना लो, 9 का रूट है, सिक्स्थ रूट है मतलब 6 यहां पे लिख दिया, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 9 के ऊपर 1/6। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा, यही इसका आंसर है, काफी सिंपल है, इसमें इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। विद इन 1 सेकंड, 1 सेकंड लगेगा आपको लिखने में, आपका आंसर आ जाएगा, आपको आधा मार्क्स देके जाएगा। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसमें से आपको, जो भी आपका यूनिट टेस्ट आएगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं इसी के बेस पे, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 256, ठीक है। तो ये मस्त क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 256 इसको आप कैसे लिखोगे इंडेक्स फॉर्म में, स्क्वायर रूट ऑफ 256 को। सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट का सिंबल बनना पड़ेगा, दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का सिंबल यही होता है, इसके अंदर 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है, आपको याद रखना है। क्यूब रूट रहता है तो 3 लिखने की जरूरत होती है, फोर्थ रूट रहता है तो 4 लिखने की जरूरत होती है, 5 रहता है तो 5 लिखने की जरूरत होती है, लेकिन ये स्क्वायर रूट है तो डायरेक्टली यही इसका सिंबल होता है, स्क्वायर रूट का सिंबल यही है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो स्क्वायर रूट ऑफ सिंबल इज 256, ठीक है। और स्क्वायर रूट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, इसमें 2 होता है, लेकिन हम लोग को लिखना नहीं पड़ता है, इसके अंदर 2 होता है स्क्वायर रूट का मतलब। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 256 के ऊपर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर मतलब 2 होता है ना, यहाँ पे 2 होता है, बट हम लोग लिखते नहीं है, यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे 2 होता है, तो 256 के ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, करेक्ट है फ्रेंड्स। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब पहले ही क्वेश्चन का और 3 क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 17 है, 8th रूट ऑफ 100 है, फिर 7th रूट ऑफ 30 है, तो ये जरूर से आप लोग होमवर्क में कर लेना, एंड मैं आप लोग के कमेंट में आपका इंतजार करूंगा आंसर का, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या पूछा है, इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और आपको स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, जो कि आपको बोला है राइट द nth रूट ऑफ a, मतलब आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं, जो कि है 81 के ऊपर है 1/4, ठीक है, 81 के ऊपर जो लिखा है 1/4, तो आपको पता है 81 के ऊपर लिखा है 1/4, इसका मतलब आपको पता है क्या होता है, 81 के ऊपर 1/4 लिखा है, इसका मतलब ये है फोर्थ रूट, 1/4 मतलब फोर्थ रूट हो गया। तो फोर्थ रूट ऑफ आप डायरेक्टली लिख दो, ये क्या है, फोर्थ रूट है, किसका रूट है, फोर्थ रूट ऑफ 81 का रूट है, एंड दिस इज योर आंसर, खत्म। इतना सिंपल है, 1 सेकंड लगा आपको आंसर लिखने में। पहले आपको देखो 1/ कितना लिखा है, 1/2 लिखा है तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, 1/3 लिखा है तो 1 क्यूब रूट बन जाएगा, ठीक है ना, 1/7 लिखा है तो 7th रूट बन जाएगा। तो ऐसा आपको देखना है, जो भी 1/ के फॉर्म में लिखा रहेगा उसका रूट और जो भी नंबर है वहां पे लिख दो, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूं, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है 49 का, यहाँ पे रेस टू 1/2 है, ठीक है, 49 के ऊपर 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, ओके, क्या लिखा है, 49 के ऊपर 1/2,
वन अपॉइंट टू। अब इसको आप कैसे लिखोगे, वन बाय टू का मतलब क्या होता है, टू मतलब आ गया मतलब स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो टू मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ कौन सा नंबर है, 49, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49, खत्म। कितना सिंपल है, बहुत इजी है, हो गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक और तीसरा करा लेता हूं आप लोग के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो आपको प्रेजेंट है, जो कि दिया हुआ है आपको 15 के ऊपर, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन 15 के ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है 1/5, ठीक है। 15 के ऊपर जो दिया है 1/5 दिया है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, क्लियर है। तो आप कैसे लिख पाओगे यहाँ पे, 15 के ऊपर 1/5 मतलब ये हो जाएगा फिफ्थ रूट, पांच है ना, 1/5 मतलब फिफ्थ, तो फिफ्थ रूट ऑफ यहाँ पे किसका नंबर है, 15 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया इसका आंसर, कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको, विद इन वन सेकंड आपका आंसर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आ रहा होगा। एंड बाकी के जो दो क्वेश्चन है फिफ्थ एंड सिक्स, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, आप लोग होमवर्क के तौर पर ले लो फ्रेंड्स, एंड जरूर से इसको कंप्लीट कर लेना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख ली है। आने वाले लेक्चर में हम लोग वापस से कुछ और तरीके का हम लोग इंडाइसेस का फॉर्म पढ़ने वाले हमारे लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। तो आपको इंतजार करना है, और आज का लेक्चर कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को शेयर करें, बता दो यहाँ पे कि हमारा लेक्चर बहुत अच्छे से चल रहा है। एंड दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।